Lately I was feeling like I need a purpose. When you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your place. But is it even there to find? So finally we have done our security check, immigration's bhi ho gaya, and now we would be heading towards our lounge, and we have bought a travel card which is Neo card, which is very helpful. You get international domestic lounge at India, so you can use that while traveling. And now let's see, and then we have the final thing to do, which is board the aircraft. So let's go. So we are not going to access the lounge because it's too crowded. बहुत गर्दी है उधर, तो बेटर है कुछ बाहर ही खा लेते हैं। इंडिया के समोसे खा के जाते हैं, फिर बस बोर्डिंग करना बाकी है। उसके पहले अभी इन लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे यूजुअली मैंने देखा कुछ लोग मास्क तो पहन ही नहीं रहे थे, बट कुछ फ्लाइट्स है जो मैंडेटरी करती है। और एक चीज़ कि अगर लेकिन एयरपोर्ट पे आपको किसी ने देख लिया और आपने मास्क नहीं पहनी है, तो वो बोल रहे हैं कि आपको पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है। सो मेक श्योर यू आर ट्राइंग टू टेक योर प्रिकॉशंस। और एयरलाइंस तो आपको डबल मास्क पहनने बोलती ही है। I would suggest keep wearing your mask. Yes. So मेरा गेट नंबर 71 है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे वी हैव एवरीथिंग, शॉपिंग स्टॉप भी है एंड काफ़ी बड़ा है, तो यू नो टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत कुछ है। पर वही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें उतना टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, ये सब की क्यू में टाइम चला जाता है। तो खैर कोई नहीं, वी हैड अ गुड टाइम ऑन द फूड कोर्ट। नाउ हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू नियर आर गेट एंड फिर वहाँ से मिलते हैं। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, इतना चलना नहीं पड़ता। अभी अचानक से मेरे साथ एक खोपड़ हो गया, मैं वीडियोस लेते लेते डायरेक्टली बाहर आ गई, तो चल के जा रही हूँ। तो मेरा गेट आ चुका है, सो द बोर्डिंग इज स्टार्टेड। बहुत क्यूज है। एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, आपकी जब भी बोर्डिंग शुरू होती है देर मे बी अ बोर्डिंग गेट नंबर, बट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स देर मे बी जोन्स। जोन कैन बी 3, कैन बी 4,
फॉर द सेम एयरलाइंस. सो ट्राई करना, आप पहले पूछ लो, कोई भी क्यू में खड़े मत हो जाओ. या सो वी आर ऑलरेडी इन द क्यू. थैंक यू. Have a great day. Thank you. Hi, welcome aboard. अभी एक अनाउंसमेंट हुई है कि इनके पास जो हैंड बैगेज ज़्यादा ही है, एंड इसलिए वो लोग कन्विंस कर रहे लोगों को कि प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए कॉलेज में. एंड द बेस्ट पार्ट वाज उसकी वजह से हमें कोई भी एक्स्ट्रा वेट नहीं लगा. इनफैक्ट हमारी एक कैबिन लगेज भी उन्होंने चेक इन कर दी विदाउट एनी कॉस्ट, एंड वेरी गुड थिंग अबाउट TLM. एंड या टिल नाउ आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आगे आगे देखते हैं क्या होगा. हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, मैंने ऑनलाइन चेक इन किया था, सो मुझे अपनी पसंद की सीट भी मिल चुकी है. आई हैव अ विंडो सीट. अच्छा लगता है कहीं दूर जाते हैं और हम विंडो से अपने सारे अच्छे मेमोरीज बनाए. एंड आई मीन सब We are all ready to leave. Can you please help our target? No selection. Thank you so much for your cooperation. हम एम्स्टरडम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और इसको स्कूपॉल एयरपोर्ट भी बोलते हैं. काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा. फिर हमारे यहाँ लियो और टोरंटो के पहले at the Toronto airport. Finally got my COPR signed and stamped from the immigration officer collecting my baggage for the final destination, and I'm very very happy. आप जो देख रहे थे वो इंडिया के नज़ारे थे. अब मैं कैनेडा में आ चुकी हूँ एंड ऑल आई एम डूइंग इज सेटलिंग डाउन. बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारे टिप्स देने हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग शायद ना कर पाऊँ बिकॉज मैं जॉब भी करूँगी, घर भी देखना है. बट मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे व्लॉग्स बनाऊँ जो आपके हेल्प में आए और आपको कुछ मैं यूज़फुल बन सकूँ. सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन से टाइप के व्लॉग्स देखना पसंद करोगे, क्या जानना चाहोगे मॉन्गटन के बारे में, न्यू ब्रंसविक में. फ़िलहाल तो मैं डी ऐप में हूँ, सो मॉन्गटन, डी ऐप या फिर थोड़ा बहुत रिवर व्यू, जो भी मैं आपको बता सकूँ यहाँ के बारे में, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछिए. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ. देखिए मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं, तो डेफिनेटली मैं आपको ज़्यादा प्रोसेस या डिटेल्स के बारे में ना बता पाऊँ. बट आई एम वेरी श्योर कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको अगर कोई लिंक्स फॉलो करने के लिए रिकमेंड कर सकूँ, आप मुझे उसके लिए, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो, या फिर आप कमेंट भी मुझे कर. और आप यहाँ तक आए हो, मेरा भी फर्स्ट टाइम है और आप मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे, बट लाइक और सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है. बट डेफिनेटली मैं हमेशा आपसे मिलना और आपके साथ जुड़े रहने की पूरी कोशिश करूँगी. सो अभी के लिए आई एम welcoming you to Canada, and फिर देखते हैं साथ ही साथ Canada की journey कैसी है, कैसी लग रही है. एंड आई एम वेरी श्योर जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो मेरी लाइव स्टोरीज देखते रहते हैं. मैं थोड़ा ट्राई करती रहती हूँ जो भी मैं फील करती हूँ या एक्सपीरियंस करती हूँ उसके रील्स बनाती हूँ या स्टोरी बनाती हूँ. सो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा की भी आईडी यहीं कहीं छोड़ दूंगी. सो यस, लेट्स कीप इन टच, टेक केयर, बाय नाउ.